इस सवाल को देखें, उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची। यदि उसने इसे 27 रुपया ज्यादा लेकर बेचा होता तो उसे 7% की लाभ प्राप्ति होती, तो घड़ी की कीमत निकाली। अब देखो, मैं यहां पे कुछ समझने के लिए 5, 0, फिर 7 लिखा है। देखो, 5% घाटा था, इसको -5 लिखा। अगर हो सकता है कि वो 10 रुपया ज्यादा लेता तो ना घाटा होता ना प्रॉफिट होता, ठीक है, तो -5 से 0 आता है। फिर अगर जब 27 रुपया पूरा ले लिया तो 7% का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पे 7 - 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 से 0 आया है, 0 से 27 आया है, -5 से 0 आया है, 0 से 27 आया है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, इसके लिए मैंने इसको 12 लिखा। अब देखो, ये पहले ही इस तरह का है, 27 रुपया ज्यादा लिया, ठीक है ना, और ये 27 रुपया बराबर क्या है दोस्त, 12% है ना, 5% माइनस और 7% प्लस, ये बन जाता है 12%। क्लियर हो गया दोस्त? तो 12% बराबर 27, तो 1% बराबर कितना होगा? देखो, वहां तो गुणा कर दिया था, 12 × 8 = 96 होता है। अगर 12 से 100 लेना है तो क्या है, मेरे को 12 से 1 में जाना होगा, 1% बराबर 27/12। ओ भैया, 27/12 काहेला है, 1% है, ठीक है ना। तो 100% बराबर क्या होगा, खाली 100 से गुना कर दिया। अब जरा काट कूट तो ले यार, 3 से काटा, 3 × 4 = 12, और यहां 3 × 9 = 27 हुआ। फिर 4 से अगर हम 100 काटते हैं तो 25 हुआ, तो 25 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 25 × 8 = 200, 25 × 9 = 225। कितना सहज सरल है दोस्त, अगर उसे थोड़ा सा कंसेप्ट लेके देखो और ध्यान से देखो, और साथ में अभी एक मैथ इसके ऊपर अब भी कर लेते हो ना, तो फिर समझ लो कि तुमने इस तरह के सवाल करने में तुमने अपनी ताकत हासिल कर लिया। लेकिन अगर इसी सवाल को करके पिक्चर की तरह देख के आगे बढ़ जाते हो तो फिर शायद इसका वो प्रॉफिट नहीं मिलता है, वो फायदा नहीं मिलता है। चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं।